ऑल राइट सो है गाइस, टुडे आई एम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। सो गाइस कैसे हो आप सभी। इस वीडियो की डिमांड इतनी थी आप सभी को लिटरली बता ही नहीं सकता, क्योंकि आप सभी ने इतना डिमांड किया था प्लीज़ क्लैश स्क्वाड रैंक मोड का कॉन्फिग फाइल लेके आओ, उसका लैग इशू फिक्स करो। सो फाइनली लेके आ चुका हूँ। जैसे कि मैंने आप सभी को पता है एक महीने पहले डाला था, उस पर इतना अच्छा प्यार मिला था। तो प्लीज़ इस वीडियो को भी अगर लाइक नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो। एंड इस वीडियो को कैसे कॉन्फिग को कैसे यूज करना है, सेटिंग वगैरह कैसे यूज़ करना है सभी बताऊँगा। तो वीडियो को नए हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर न हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर लो। सो वीडियो स्टार्ट कर दे। सबसे पहले आप सभी को ग्राफिक की बात कर ले, अगर आपका 1 and 2 and 3 4 3 GB रैम का फ़ोन है तो आप प्लीज़ स्टैंडर्ड पे ना खेले, स्मूथ में ही खेले, इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा लैग इशू फिक्स होता है। एंड एक्सपेक्शन पैक को कम से कम डाउनलोड कर रखे, एक्सपेक्शन पैक ज़्यादा ना डाउनलोड करके रखे, ये हमारा सेकेंड टिप है। देन आप सभी को यहाँ पर जैसे ही क्लैश स्क्वाड रैंक मोड ऑन करते हो देन यहाँ पर आपका रहता है माइक, तो आप इसको ऑफ कर ले गेम खेलने से पहले। इन सेटिंग को आप अप्लाई कर ले अपने फ़ोन में, आपका 1 and 2 GB रैम का फ़ोन है तो आप अप्लाई जरूर से ज़रूर कर लेना। देन आप सभी को वन चले जाना है जेड अचीवर एप्लीकेशन में, एंड यहां से आप सभी को कर लेनी है कॉन्फिग फाइल डाउनलोड। कॉन्फिग फाइल आप सभी को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड्रॉयड में चले जाना है डाटा के फोल्डर में, एंड com.dts में एंड फाइल्स के फोल्डर में यहां पे कॉन्टेंट एच का फोल्डर दिख जाता है, इसको क्या करना है डिलीट कर देना है यहाँ से। यहाँ से सो सिंपल हम यहाँ पर एच कर देंगे, मैं नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी किया है। यहाँ पर डिलीट करके आप सभी को डिवाइस के मेमोरी में चले जाना है, कॉन्फिग फाइल को डाउनलोड कर लेनी है। ये वाली कॉन्फिग फाइल आएगी, इसको एक्सट्रैक्ट हियर करोगे तो आपको ये वाली मिल जाएगी फाइल, एंड ये वाली फाइल डाउनलोड कर लेना। HTML की कॉन्फिग फाइल आपके अंदर ही है, मतलब जितना रैम रहेगा 1 2 3 जितना जीबी रैम रहेगा उसके अकॉर्डिंग आप डाउनलोड कर लेना अपने HTML की कॉन्फिग। ये क्लैश स्क्वाड रैंक मोड का लैग इशू फिक्स करती है, तो आप सभी को कॉपी कर लेना, डिवाइस के मोड में चले जाना, एंड्रॉयड डाटा के फोल्डर में एंड com.dts में फाइल्स के फोल्डर के अंदर जहाँ हमने डिलीट किया था वो ऑलरेडी वहीं पर आगे पेस्ट कर देना है। आप सभी का सो सिंपल यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। पेस्ट होने के बाद आप सभी को फ़ोन को पावर ऑफ करना है, देन आपको 5 मिनट बाद ऑन कर लेना है। आपका पूरा का पूरा क्लैश स्क्वाड रैंक का मोड हो जाएगा इशू फिक्स, एंड आपको टिप अप्लाई कर लेनी है जो मैंने पहले बताया था। आप सभी को एक्सपेक्शन पैक कम के डाउनलोड कर रखना है, ग्राफिक स्मूथ पे ही खेलना है आप सभी को, एंड आप ये टिप को वगैरह यूज़ करना, कौन फाइल यूज़ करना, आपका पूरा का पूरा लैग फिक्स हो जाएगा। सो फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।